मुंगेर में चोरी के 9 एटीएम कार्ड के साथ पुलिस ने एक नाबालिग सहित 3 को किया गिरफ्तार। इन चोरों के द्वारा विशेषकर घरों से सामान के साथ चुराते थे एटीएम कार्ड और एटीएम से फ्रॉड कर पीड़िता को लगाते थे चूना। दरअसल मुंगेर में एक अनोखा मामला सामने आया है। जब कोतवाली पुलिस के द्वारा जब एक चोरी की घटना का उद्भेदन किया गया तो पुलिस ने चोरी के सामान के साथ एक विधि विरुद्ध बालक सहित 3 को गिरफ्तार किया है। दरअसल मुंगेर जिला अंतर्गत कोतवाली थाना क्षेत्र के 4 मार्च 2024 को तोपखाना बाजार स्थित मोहम्मद फैजल खान के घर का छप्पर तोड़ ज्वेलरी समेत अन्य सामानों की चोरी कर ली थी। साथ ही चोरों के द्वारा उसका 9 एटीएम कार्ड भी चोरी कर लिया गया और जिसमें कई एटीएम से पैसे की भी निकासी कर ली गई थी, जिसको लेकर पुलिस लगातार चोर की तलाश में थी। वहीं तकनीकी अनुसंधान और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस को पता चला कि तोपखाना बाजार स्थित धनंजय कुमार और अंकित कुमार के साथ एक नाबालिग इनकी चोरी की कांड में शामिल है, जिसके बाद कोतवाली पुलिस के द्वारा विशेष टीम बनाकर उन सभी के यहाँ छापेमारी किया, जहाँ से पुलिस ने एक नाबालिग सहित 3 को गिरफ्तार कर लिया, जिसके पास से चोरी के 9 एटीएम कार्ड और एक मोबाइल फ़ोन को भी पुलिस ने बरामद किया। पर पुलिस उस समय अचंभित हुआ कि इन चोरों के द्वारा चोरी के दौरान विशेष रूप से एटीएम कार्डों की भी चोरी की जाती रही है और उसके पास से उस एटीएम से पैसा निकाल लिया जा रहा था। इस मामले में कोतवाली थाना प्रभारी राजीव कुमार तिवारी ने बताया कि पुलिस अब अनुसंधान कर रही है कि इस गिरोह का तार कहां तक जुड़ा है। अब पुलिस यह भी जांच कर रही है कि एक चोरी के सभी एटीएम एक ही आदमी मोहम्मद फैजल खान के पास कैसे है और क्या बादी इस एटीएम का उपयोग कहीं किसी गलत कार्यों में तो नहीं कर रहा है। इस पर पुलिस जांच कर रही है। विगत कुछ दिन में कुछ घरों में चोरी हुई थी, जिस घर से चोरों द्वारा एटीएम की भी चोरी की जा रही थी अन्य सामानों के साथ। तो इसी क्रम में हम लोग गुप्त सूचना के आधार पर एक व्यक्ति को पकड़ा था, जो जिसका नाम धनंजय कुमार था। इनके द्वारा बताया गया कि दिनांक 4-5 की रात्रि में तोपखाना बाजार से एक छप्पड़ काट करके एक हैं अली फैजल खान, उनके घर में चोरी किया था और चोरी करने के बाद उस घर से 9 एटीएम उन्होंने चोरी किया था। उस एटीएम के बाद से उनके खाते से पैसे लो ट्रांजैक्शन दूसरे खाते में या ऑनलाइन मार्केटिंग करते थे। उसी के आधार पर इसमें वादी ने भी बहुत सपोर्ट किया था और वादी के द्वारा भी हम लोगों को बहुत सपोर्ट किया गया, जिसके आधार पर इन लोगों के पूरे गैंग को हम लोग पकड़े हैं और आगे भी हम लोग टेक्निकल अनुसंधान में देख रहे हैं कि और कहां कहां से इन लोगों का तार जुड़ा हुआ है और उस पर भी हम लोग जाँच पड़ताल कर रहे हैं। नहीं, इसमें एटीएम के साथ साथ और भी सामान चोरी किया है, जिसके और उसके एसोसिएट्स लोग भी चोरी किया है और इस संबंध में हम लोग जाँच पड़ताल कर रहे हैं। ठीक है।